तेज़ी से काम चल रही है। वहाँ पे आपको कुछ छरिया वगैरह दिख रहा होगा, काफ़ी मजबूत है, बन रही है स्टेडियम। इंटरनेशनल स्टेडियम के पास इसको बैक कैमरा से व्यू देते हैं और यहाँ से इंटरनेशनल स्टेडियम का रास्ता गया आपको दिखा दे। तो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अभिषेक आ चुका हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं फील्ड में किसी खड़ा हूँ। आज मैं जाने वाला हूँ राजगीर के इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है कितना, सब कुछ अपडेट्स देने जा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है, अभी तक क्या नहीं हुआ है, कब तक ये कंप्लीट होगा, पूरा व्यू आपको देंगे यहाँ पे राजगीर में जाके। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। मेरे इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग आ चुके हैं इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इंटरनेशनल स्टेडियम का रास्ता गया आपको दिखा दे। प्रोजेक्ट का नेम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम। आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे, उल्टा दिख रहा होगा आपको, लेकिन अभी हम आ चुके हैं राजगीर में। यहाँ से जाएंगे स्टेडियम का बिग अपडेट देंगे, जो जो बन रहा है स्टेडियम में, अभी कहाँ तक काम हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ अपडेट देने वाले हैं। चलिए यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से हैं आप भैया? कहाँ से हैं? यहीं से। कब से कोई स्टेडियम बन रहा है, कुछ जानकारी है? नहीं, इसको डेट वगैरह कब से स्टेडियम बन रहा है? 2019 से। कब तक ही बन जाएगा, कोई जानकारी है? बन जाएगा, कब तक वो कैसे बता? ऐसे तो डेट 24 तक बताता है, लेकिन 24 तक बनेगा नहीं हमको भी लगता है ना। यहाँ पे पता है स्टेडियम में लगभग 50,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था, मतलब सीट किया गया है यहाँ पे। ये चलते हैं आपको घुमाते हैं स्टेडियम, और स्टेडियम का कुछ ख़राब रोड भी दिखाएंगे आपको, अभी तो कच्ची सड़कें हैं, दिखाएंगे उसको भी। चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर में। 2 घंटे के लगातार सफ़र के साथ आज फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम के पास। इसको बैक कैमरा से व्यू देते हैं और अपडेट देते हैं आपको। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं स्टेडियम के अंदर और अंदर का नज़ारा आपको देते हैं। देख सकते हैं कुछ वर्कर लोग जा रहे हैं अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए। अभी सुबह का ही टाइम है और काफ़ी अच्छा लाइटिंग है सन का, देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से अभी काम चल रही है। और स्टेडियम में जैसा कि आपको बताएं कि यहाँ पे 50,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी बनाई गई है क्रिकेट स्टेडियम में, और देख सकते हैं काफ़ी काम चल रही है यहाँ पे। इधर देख सकते हैं न्यू जॉब सीटिंग का काम चल रही है। इधर फिर देख सकते हैं सारे वर्कर लोग अपने समय से जा रहे हैं। आपको कुछ दिखाते हैं बिल्डिंग जो बन रही है, बिल्डिंग सॉरी सीटिंग का जो अरेंजमेंट किया गया है बैठने के लिए। देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से काम चल रही है। वहाँ पे आपको कुछ छरिया वगैरह दिख रहा होगा, काफ़ी मजबूत है, बन रही है स्टेडियम, क्योंकि स्टेडियम है तो थोड़ा हाईवे तो बनना होगा ना, और कुछ दिन टाइम लगेगा, लेकिन काम बहुत तेज़ी से चल रही है। दिखा दें इधर आपको साइड में, देख सकते हैं इधर भी काम तेज़ी से चल रही है। इधर कंक्रीट का कुछ काम चल रही है, पे एक वर्कर शूट कर रहा है कुछ यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। देख सकते हैं लोग अपने सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पिलर वगैरह ढाला जा रहा है, और यहाँ पे देखिए समरसेबल किया गया है जिससे पानी की आपूर्ति यहाँ पे किया जा सके। यहाँ पे 4 गेट है इस स्टेडियम में, 4 गेट है। एक गेट नंबर 3 से रास्ता आपको दिखा रहे हैं। पिलर वगैरह मजबूती से ढाला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि और यहाँ पे पंपिंग किया जा रहा है, देख सकते हैं पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, शायद पानी वगैरह के लिए या किसी और चीज़ के लिए होगा। और इधर रोड के लिए कंक्रीट से इसको अच्छे से बराबर किया जा रहा है रोलर से, और इसके बाद मतलब कि यहाँ पे पीच वगैरह किया जाएगा। और देख सकते हैं इधर मिट्टी वगैरह को साइड किया गया है रोड ही के लिए। काफ़ी तेज़ी से काम चल रही है, देख सकते हैं काफ़ी वर्कर अपना तेज़ी से दौड़ दौड़ के अपने काम पे जा रहे हैं। और इधर देख सकते हैं नाली वगैरह जैसा बनाया गया है या पिलर होगा इसमें, चलिए देखते हैं। नहीं, ये पाइप लाइन ही है, देख सकते हैं पाइप लाइन ही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काम इतना तेज़ी से हो रही है, लगता है जल्दी ही स्टेडियम बन के तैयार होने वाली है। क्योंकि इधर आप बाहर का कुछ थोड़ा सा इधर का सीन दिखा देते हैं आपको, मैदान जैसा देख सकते हैं काफ़ी अच्छा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।